बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। टेस्ट आपने लोगों ने ठीक से अटेम्प्ट किया होगा। अब देखें बेटा, आज की जो डिस्कशन है इसमें चूँकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्लो और जो है प्रोसीड करूँगा और जो जहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनको भी जो है वो कम्प्रीहेंसिव वे से कवर करने की कोशिश करूँगा। सो जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको कोशिश करना है कि वो हाईलाइट करें, उनको दोबारा से रिवाइज करें उन टॉपिक्स को। समटाइम्स हम मिस्टेक इसलिए हो रही होती है हमारी बार बार बिकॉज हम एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखें, आप कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एनालाइज जब करते हो तो उसको जो है वो क्वेश्चंस के साथ को रिलेट करके ना किया करें, इंडिपेंडेंटली आप कॉन्सेप्ट्स को जो है वो लर्न किया करें और फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर डिफरेंट तरह से भी अप्लाई हो सकता है। सो एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरह से जो है वो अप्लाई करना जो है वो आप देखें, आप कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना, वो आपको क्वेश्चन बताएगा, उसकी सेंस बताएगी। जैसे लास्ट टाइम जो है वो हमने लेक्चर में मैं आपको बताया कि जब हम मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं कि अगर एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है विद सेम मोमेंटम तो रेशियो ऑफ रेडियो बताएं, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर होते हैं तो रेशियो ऑफ रेडियो बताएं। तो देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन अप्लाई दो तरह से हो रहा है। सो इसलिए ना आप कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिवाइज ज़रूर किया करें लेकिन उसको एक क्वेश्चन के रेफरेंस से ना याद किया करें, आप उसको आप इंडिपेंडेंट याद करें ताकि वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ जो है वो अप्लाई हो सके। खैर जी, स्टार्ट करते हैं आज का जो आज की डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर वन जो है, वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट वर्टिकली अपवर्ड। अब देखें यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर वन में आपसे उसने कहा है कि जी एक हमारे पास वायर है और उसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इससे जो है वो कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और इसी से जो है वो लेफ्ट साइड पे भी एक पॉइंट क्यू है। अगर आप और करें स्टेटमेंट तो कहता है जो डिस्टेंस पी का है ना वो ये डिस्टेंस जो है वो क्यू का है। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए जो कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर क्या था 2πr। इसका मतलब है चूँकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है सो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। सो इसमें जो आपका आंसर बनेगा जी कौन सा होगा, बीटा सेम एज क्यू। तो जो पी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वही क्यू पे होगी जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर टू जी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर, हमें पता है कि जो पाथ है वो कौन सा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। अगर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो सर्कुलर पाथ बनेगा। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें आपको जो है वो एट पी पॉइंट पूछा हुआ है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। इसमें भी देखो फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री में यही वाला यूज होना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। अब जरा गौर से सुनना है, जो डिस्टेंस है अगर आप गौर करें तो वो 4 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हुआ है, यानी 4 सेंटीमीटर पहले डिस्टेंस था फ्रॉम द वायर और उससे बढ़ के वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कितने टाइम्स देखें चेंज आया, 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुआ है डिस्टेंस, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है डिस्टेंस, ऐसे ही है ना जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, न्यू मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। आर कितना हुआ है, 3 टाइम्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, 1/3 इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। तो ओरिजिनल का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1/3 times एज दैट ऑफ ओरिजिनल हो जाएगी। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको कितनी गिवन है जी, फर्स्ट वन जो है वो गिवन है आपको 1 × 10⁸ टेस्ला। तो 1 × 10⁻⁸ टेस्ला था। अब देखें 1/3 जो है ना ये 0.33 होता है, 1 × 10⁻⁸ था तो इसको आप 3.33 × 10⁻⁹ टेस्ला भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर, आंसर जो है आपका बनेगा 3.33 × 10⁻⁹ टेस्ला, मतलब अल्फा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स क्लोज टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वेल भी क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं इन अ प्लेन और परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होती हैं। इट्स सिंपल है, जो अराउंड द वायर है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर बनेंगी और उस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस वायर के परपेंडिकुलर होंगी। तो इट मीन्स आंसर कौन सा है जी, चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज करंट अवे फ्रॉम यू, आपसे अवे जो है वो कह रहा है करंट जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने बतानी है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बनेगी क्लॉक वाइज। अब देखें अवे फ्रॉम यू, अब ये मैं इस तरह खड़ा हूं तो मुझसे अवे अगर वायर जो है ये मैं इसको ऐसे प्लेस करूं तो मुझसे अवे जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो मैं करंट की डायरेक्शन में थंब को ऐसे प्लेस करूंगा, ये करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस किया और फिंगर्स को कर्ल किया, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी तरफ से जो देख रहा हूं तो मुझे ये जो है वो क्या नजर आएगा क्लॉक वाइज। सो मैं इस तरफ से देखूंगा तो कंडक्टर को मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है और करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, आपसे अवे जा रहा है, तो मैं इस पे राइट हैंड रूल जब लगाऊंगा तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को कर्ल करें तो योर फिंगर्स टेल्स अस डायरेक्शन कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉक वाइज आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से देखेंगे तो ये क्लॉक वाइज, अगर कोई इस तरफ कुछ खड़ा शख्स देखा है वो कहेगा एंटी क्लॉक वाइज, तो आपने अपनी तरफ से देखना है ना, तो वो क्या होगा क्लॉक वाइज। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड और पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोजेक्टेड जो है विद द वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 में ये बात कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। अब आप देखें कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तो इसमें देखें कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अब उसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू क्या होती है नेगेटिव, तो अब देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर जो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो एक बात देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके चूंकि ये नेगेटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, चूंकि नेगेटिव को क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अलॉन्ग द फील्ड मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी शुड डिक्रीज चूंकि नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, जबकि चूंकि ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इसमें जो आपका आंसर बनेगा जी वो बनेगा डेल्टा, द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, लेकिन मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ जो है ये कहता है जी कि ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डू नो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है, जो कि क्वेश्चन 7 जो है वो हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू क्या होता है एम वी ओवर क्यू बी। तो इसमें देखें एम वी क्या होता है मोमेंटम टू आर डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या होता है मोमेंटम, इसमें जो आंसर है आपका आर डायरेक्टली पोर्शनल टू पी, मतलब यहाँ बीटा आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑफ द मास एम चार्ज ई इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड वी अलोंग द सर्कुलर पाथ जो है, अब क्या कि ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर हम डबल कर दें और मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दें तो रेडियस जो है वो ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज जस्ट लाइक जो है वो क्वेश्चन 7 जो है उसमें जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं एम वी ओवर क्यू इन टू बी। अच्छा अब देखें उसने कहा क्या है, कहा है कि आपकी जो स्पीड है उसको डबल कर दें और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हाफ कर दें, सो स्पीड हम यहाँ पर डबल कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड को हमने हाफ कर दिया, तो देखें यहाँ से जो है आपके पास न्यू रेडियस जो है वो क्या बनेगा, टू टू जार क्या हो जाएगा फोर, फोर आपका जो है यहाँ से क्या आ गया कॉमन, और इन टू जो है वो आपके पास एम वी ओवर ओवर क्यू बी, सो न्यू जो रेडियस है वो आपका ओरिजिनल का क्या हो जाएगा एज फोर टाइम्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल जो है ये हो जाएगा, तो इसमें आंसर जो है जी आपका बनेगा अल्फा। 9 इज सो इजी, 1 टेस्ला इज इक्वल टू हम कहेंगे ये 10 रेज टू पावर 4 गॉज के इक्वल होता है और 1 गॉज जो है वो 10 रेज पर माइनस 4 टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, लेक्चर में बड़ी क्लियरिटी से मैंने बताया था कि स्टेशनरी चार्ज के ऊपर जो है वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों ना हो उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज फॉर्मूला जो है आपके पास क्या था डेट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा आप जरा गौर करें कि अगर वेलोसिटी ही जीरो है, क्योंकि अगर स्टेशनरी है वो तो स्टेशनरी के लिए वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, सो अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स उसके ऊपर जीरो होगी, सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसके ऊपर फोर्स जो है वो क्या रहेगी स्टिल रिमेन जीरो, तो इसमें जो आंसर आपका बनेगा जी वो कौन सा है जी चार्ली द इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी।
क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो सिंपल वन जी, द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमने इसमें बताना है, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, यूनिट्स के साथ आप डील करते हो आप, तो आपके ना जहन में फॉर्मूला, उसके यूनिट्स, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जी क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें हमें जो पता है इसका यूनिट वो है वेबर पर एम्पियर पर मीटर, हमें ये वाला यूनिट इसका पता है। अब जो ऑप्शंस यहाँ गिवन है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला की टर्म में जो है उसने हमें पूछा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, ज़रा गौर से देखो कि मैंने ना टेस्ला की टर्म में, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट टेस्ला होता है, तो ऑप्शन में टेस्ला नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँगा इस वाले रिलेशन को मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये जो वेबर है ना, ये बन जाएगा पर मीटर स्क्वेयर इनटू मीटर, मैंने मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर से डिवाइड किया, ठीक है जी। अच्छा, अब वेबर पर मीटर स्क्वेयर जो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बोलते थे, फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, फाई ओवर जो है वो बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए, तो इसको हम कहते थे वेबर पर मीटर स्क्वेयर यानी टेस्ला, तो इसका मतलब इसको मैं टेस्ला बोल सकता हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये बन गया जी। तो आप इसमें देखें हमारे टेस्ला आ गया, कैसे आया, मैंने इसको मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये वेबर पर मीटर स्क्वेयर बन जाए ताकि मैं इसको टेस्ला से रिप्लेस कर सकूं। तो क्वेश्चन 11 जो है इसका आंसर जो है इसमें अल्फा ही बनेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्वेश्चन 12 जी, इसमें कहता है कि डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने ये आपकी बुक की ही डायग्राम है, इसमें डॉट जो है इसमें किस तरफ इसको मूव करना चाहिए, तो बुक के अकॉर्डिंग राइट वर्ड मूव कर रहा है, यहाँ भी ये राइट वर्ड ही मूव करेगा, अगर आप और करें तो इसमें नॉर्थ से साउथ जो है आपको डायरेक्शन जो है वो दी हुई है, यहाँ डॉट है। अब डॉट का मतलब होता है करंट इज आउट ऑफ द पेज, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन इस तरह से बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो ज़रा गौर करें तो इस तरफ जो है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में ऐड हो रही हैं, इस तरफ दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो रही हैं, कैंसल आउट हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये हाई टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टू लो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की तरफ मूव करेगा, तो आप इस तरफ खड़े हो, इट मीन्स आपके लिहाज से जो है आपकी कॉपी के लिहाज से ये किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स राइट, तो आपने भी आंसर राइट ही देना है, तो इसमें आंसर जो आपका आएगा बीटा। 13 जी, अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जी एक्सेस, पॉजिटिव जी एक्सेस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो है, और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सेस। अच्छा, अब यहाँ आपको ना क्लियरली उसने जो है वो बता दिया कि जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगे, अब यहाँ आप ना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट वाला, ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट वाला, और इसमें देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी। अच्छा, अब देखो कि वो कह रहा है वी जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लॉन्ग है, ये जो है वो जी एक्सेस के लॉन्ग है, ऐसे ही जी। अच्छा, अब हमें पता है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई और जी आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर जो है आपका v क्रॉस b जो है एक्स जी प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा जी, वो y है ना जी, तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर प्रोडक्ट जो आपका जो रिजल्टेंट होता है वो जो रिमेनिंग टू वेक्टर्स हैं जिस प्लेन का हिस्सा होते हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स जी के परपेंडिकुलर क्या है, वाई, तो फोर्स मस्ट बी अलोंग दी वाई डायरेक्शन, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, मतलब एक्स और क्रॉस बी, तो x क्रॉस z लेंगे तो थम अपवर्ड आएगा, तो अपवर्ड मीन ये y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर है जी 14, दैट इज सो सिंपल, इसमें आपको कहा गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताना है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें आपके पास फॉर्मूला है जी, वर्क डन इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ क्यू डेल्टा वी, और वर्क डन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को, सो इसको हम क्यू डेल्टा वी कह लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर वी को पोटेंशियल को कांस्टेंट रख लें, इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज, तो रेशो अगर काइनेटिक एनर्जीज की पूछी हुई है तो किस किस की पूछी है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, सो इसका मतलब ये हुआ
कि हम जो है प्रोटॉन सिर्फ चार्ज देखना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज है, प्रोटॉन वन इस पे भी वन और अल्फा पार्टिकल पर टू टाइम्स, तो वन रेशो टू आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी ओनली जो है वो डिपेंड्स ऑन चार्ज व्हेन पोटेंशियल रिमेंस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट जो है जी 15 जो है इसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फिफ्टीन में अगर हम गौर करें तो इसमें जो है वो आपको कहता है कि दो हमारे पास वायर्स हैं और अगर इसमें देखें तो एक में क्रॉस लगा हुआ है, इस एक में डॉट लगा हुआ है। इट मींस कि एक में करंट जो है वो लेट्स एक में कह देता हूँ इनटू अपवर्ड है, एक में डाउनवर्ड है, यूं कर लें ठीक है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो हम कहते होते थे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें लेट्स से इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर ये एरो बनेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चूंकि क्लॉकवाइज है तो एरो ये बनेगा, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे ऐड हो रही होती है। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है इसके अराउंड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डी है, तो इस पॉइंट पर सेंटर पॉइंट पर जो है उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल होनी चाहिए, यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में ऐड हो रही होती है। सो अगर यहाँ एक में क्रॉस दिया हुआ है एक में डॉट दिया हुआ है तब भी यही सेम जो है वो अप्लाई होगा रूल, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो वायर्स में तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सेंटर पॉइंट जो कि 1 मीटर पे लिया हुआ है, इसलिए आंसर जो है इसका कौन सा बनेगा, चार्ली, यानी 2B आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं और सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जी R इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है 1/2 p² / m, तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो 2 × mass × kinetic energy, ये आप इसको इससे रिप्लेस कर दें तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा 2 m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हुआ अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर होते हैं सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ओवर क्या होगा, चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा है कि कौन कौन से हैं जी पार्टिकल, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, अब रहेगी मास की बात, किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इसका मतलब है उसका रेडियस ज्यादा बनेगा, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसमें रेडियस कम बनेगा, तो इसका आंसर जो है वो आपका बीटा बनेगा, आर ई इज लेस देन आर पी। क्वेश्चन 17 जो है इसमें कहता है वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, अगर वेलोसिटी टू पैरेलल एंड नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन हो तो हमें पता है हेलिक्स वाला पाथ जो बनता है स्प्रिंग लाइक जो है वो पाथ बनता जाएगा, तो इसमें आंसर इज अल्फा। और ये कब होता है, जब कंपोनेंट जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर होते हैं, जब आप एंगल जो है उसका वो 45 रख देते हैं, सो उसमें जो कंपोनेंट है मतलब अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड जब वो पार्टिकल जाता है तो एक कंपोनेंट एट ए टाइम पैरेलल, एक कंपोनेंट एट ए टाइम जो है वो परपेंडिकुलर, तो वो सर्कुलर पाथ मीन एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ता है तो वो स्प्रिंग लाइक यानी स्पाइरल पाथ बनता है, तो आंसर इज अल्फा। 18 जी, चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, क्योंकि फार्मूला हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, तो इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही बट इट डिपेंड्स ऑन चार्ज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। 19, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें सिंपल आंसर है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल भी हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, आंसर इज डेल्टा यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो सिंपल, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें करना क्या, आपने जो है फॉर्मूला है हमारे पास एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो हमें चूंकि साइन थीटा यहाँ पर थीटा फाइंड करना है तो इज इक्वल टू एफ, यहाँ से साइन थीटा वुड बी इक्वल टू एफ ओवर आई एल बी, या इसको यू डायरेक्ट लिख लें साइन ऑफ इनवर्स इनटू एफ ओवर आई एल बी, वैल्यूज पुट करें साइन ऑफ इनवर्स, आपके पास वैल्यूज क्या हैं, एफ 15 है और ओवर जो है वो करंट इज 10 इनटू 1.5 और इनटू 2 टेस्ला। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर गौर करें ज़रा,
ये 10 इससे मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 15, 15 इंटू 30, तो 15 ओवर 30 जो है वो कितना आ जाएगा आंसर, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है वो क्या होता है, 30। इट मीन्स के इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, 30 बनेगा। सो डेट इज सिंपल मान जी, इसका आंसर जो है आपके पास 30 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21। इन अ गिवन फिगर जो है ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रॉन है, अच्छा आप जरा गौर करें कि यहाँ जो हमें गिवन क्या है इसकी फिगर के अकॉर्डिंग, ये हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन गिवन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन गिवन है। अच्छा ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव वाई डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। अच्छा जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक हो गया जी। अच्छा ये फील्ड है, ये इन टू द पेज है। अच्छा गौर से सुनिएगा, फील्ड इन टू द पेज होने का मतलब है ये अलॉन्ग नेगेटिव जी डायरेक्शन में। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी था आपके एक्सरसाइज में बुक की, तो नेगेटिव जी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग, तो ये जाहिर है जी अब अपवर्ड होगा तो नेगेटिव सी इनवर्ड होगा, तो ये इन टू द पेज है। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें तो इसको किस तरफ आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल पाम रूल है। देखो जरा गौर से, मैं मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा इन टू द पेज, ये मिडल फिंगर इन टू द पेज, थंब मैंने रखा इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग। अच्छा पाम मुझे बता रही है अपवर्ड, पाम मुझे बता रही है अपवर्ड, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका आंसर जो है मैं कहूंगा इट विल गो डाउनवर्ड, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड होगा, यानी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर इसने किस तरफ जाना था, अपवर्ड डिफ्लेक्ट होना था, चूंकि नेगेटिव है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है इट शुड डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन आएगा, यानी इसमें आंसर आपका डेल्टा बनेगा। 22nd, ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, आंसर इज बीटा इफ इट इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, अक्रॉस मीन एट सम एंगल, अगर जीरो एंगल हो 180 हो तब भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, सो इसमें आंसर इज बीटा। 23 में जी, व्हेन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर सच दैट करंट डायरेक्शन इज सेम बोथ ऑफ देम दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर। 24 में जो है बड़ा सिंपल है जी, इसमें डॉट का आउट ऑफ द प्लेन जो है वो डॉट, ये आपको सारी डायग्राम्स मैंने बनवाई हुई है डॉट और क्रॉस वाली जो है, स्टार्ट में लेक्चर के जो है वो लेक्चर 1 में आपको करवा दिया था कि डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेज जो है, ठीक है जी। 24 तो डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेज, तो उसमें जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक वाइज बनेगी। क्रॉस बताया था इन टू द पेज, उसमें डायरेक्शन क्या बनेगी, क्लॉक वाइज, इसमें चूंकि आउट ऑफ द पेज उसने कहा है तो आपने सिंपली कह देना है ये एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है जी। नेक्स्ट 25 जी, इसमें कह रहा है कि आपके पास अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी द करंट आई एट एनी इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज क्यू जो है इज एट पॉइंट पी हैज अ वेलोसिटी वी एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन द चार्ज जो है वो किस तरफ लगेगी अकॉर्डिंग टू जो है वो राइट हैंड रूल। सो हम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो करंट बता रहा है। अच्छा इसमें जो है वो करंट जो है अगर आप और से देखें तो चूंकि करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है जाहिर है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से होगी, ठीक है जी। अच्छा अब करंट जो है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है, सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चूंकि एंटी क्लॉक वाइज होगी और इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें कि हम जो है वो उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम उसको प्लेन में ड्रॉ करें, अच्छा अब रह गया जी वेलोसिटी के डायरेक्शन। अब यहाँ उसने कहा हुआ है कि ये एक्स है ये वाई है, तो अब जरा देखो कि उसने जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको बताई हुई है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई। अच्छा अब हमने जो है वो पढ़ा था कि जो वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये देखिए मुझे जो है ये वी क्रॉस बी ऐसे लेना है, वी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं अगर वी क्रॉस बी लूंगा तो इसका मतलब है वो ओ वाई की डायरेक्शन में आएगा, यानी
आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर आप वी क्रॉस बी लेते हो, जो कि ये प्लेन में है, आप देखें यूं सपोज करें कि इसके ऊपर डायग्राम ये बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें ये कंडक्टर था, इसके ऊपर प्लेन ऐसे वो जो है वो, अगर मैं देखूं इसी वाले सर्कल को मैं बताऊं, ये सर्कल बना हुआ है, ये आपका कंडक्टर है, ये ऐसे कंडक्टर बना हुआ है। तो इसमें जो जो डायरेक्शन है, अगर मैं यूं आपको सपोज करूं, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी और ये मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट टू द सर्कल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो मैं उसको ऐसे ही लगाऊंगा ना प्लेन के ऊपर, जो कि इसको ऐसे अगर रखें तो ये प्लेन, अगर इसको आप सपोज करें तो मैं इसको जो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जरा देखें, क्रॉस प्रोडक्ट वी से बी की तरफ जब क्रॉस लेंगे तो अपवर्ड आएगा, तो अपवर्ड का मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लेन देखें तो वो ओ वाई डायरेक्शन बनेगी, ओ वाई डायरेक्शन में जो है इसको जाना चाहिए जो फोर्स है, तो फोर्स शुड ड्रॉ ओ वाई डायरेक्शन। अच्छा, इसको मैं अगर प्लेन सपोज करके इसी डायग्राम को ड्रॉ करूं तो वो फिर इस तरह से होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसको टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये जो है वो दोनों के वी क्रॉस बी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसे वो आप, अगर आपको याद होगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो इस तरह से ड्रॉ किया करते थे, तो उसमें आप सपोज करते थे कि ये प्लेन है और एक वेक्टर ए है, तो इस उस ए वेक्टर को हम यहाँ बी कह रहे हैं, दूसरा वेक्टर उस प्लेन पे बी है, तो वी क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ जो डायरेक्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या डायरेक्शन बन रही है, ओ वाई, तो ओ वाई का मतलब यहाँ फोर्स जो है वो आपकी ओ वाई डायरेक्शन में आ रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसमें जो आंसर है आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चूंकि डायरेक्शन उसने हमें जो है वो यहाँ प्लेन में दी हुई है, हालांकि ये डायरेक्शन जो डायग्राम है थोड़ी सी इस तरह होनी चाहिए थी, डार्क होके हमें थ्री डायमेंशनल डायग्राम अगर यहाँ पर शो होती ना तो ज्यादा हम इजीली कंफर्टेबल होके आंसर दे सकते थे। आंसर था डेल्टा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 जी, सिंपल है, फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 जी, करंट इसमें F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा ही आपने फॉर्मूला यूज करना है, और यहां पर सिर्फ एक चीज है कि आपने ना B जो है उसकी जो वैल्यू है वो 500 गॉज दी हुई है, तो हमें पता है कि 1 टेस्ला जो है वो 10^4 गॉज के इक्वल होता है, ठीक है जी। सो जस्ट इसको आपने कन्वर्ट करना था, बाकी इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है। सो इसमें जो है वो हमें पता है 1 गॉज जो है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, वो 10^-4 टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आपको 10^-4 से मल्टीप्लाई करना था, तो करंट यहाँ पर 3 है, लेंथ यहाँ पर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो 40.4 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 500 गॉज, 500 × 10^-4, और साइन यहाँ पर 30 है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको सिंपली सॉल्व करने आपके पास जो आंसर है वो बीटा ही बनेगा, यानी 3 × 10^-2 न्यूटन जो है इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, आगे कैलकुलेशन ही करनी है, इसमें आंसर जो आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये सेम डायरेक्शन में अगेन कह रहा है, तो एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसमें कह रहा है कि ये जो यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमने पढ़ा हुआ है जी, 28 जो है उसको हमने डिस्कस भी किया था, जो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ थी वो क्या थी, 2 × 10^-7 I1 I2 ओवर R। तो अगर डिस्टेंस 1 मीटर हो, करंट I1 I2 1 एम्पियर हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो अप्लाई हो रही होती है वो 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर आएगी। सो अगर ये 1 कर देते हैं, ये भी 1 कर देते हैं, ये भी 1 कर देते हैं, तो आंसर आपका 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर आंसर आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो इसमें आंसर है चार्ली। क्वेश्चन 29 जी, इसमें F इज इक्वल टू आई एल बी, चूंकि मैक्सिमम फील्ड उसने कही हुई है 29 जो है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू आई एल बी, तो मैक्सिमम के लिए, तो करंट आपको 1.2, लेंथ जो है वो 0.5 मीटर, यानी 1/2, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, 2 से कैंसिल आउट, आपका आंसर 1.2 न्यूटन ही आ जाएगा।
तो चार्ली आंसर बनेगा। थर्ड जी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये सारे हो सकते हैं, टेस्ला भी हो सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये तीनों आपने पढ़े हुए हैं, तो डेल्टा आंसर होगा। 31 जी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थी, आंसर इज बीटा और ऑलवेज क्लोज। जैसे 31 है जी, यहाँ पर आप अगर किसी मैग्नेट जो है उसकी डायग्राम अगर मैं लेट से ड्रॉ करूँ, सो लेट से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड ऑन साउथ पोल, लेकिन अगर आप इस मैग्नेट के इन साइड देखें तो इन साइड जो है वो साउथ से नॉर्थ पोल डायरेक्शन बनेगी, तो ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ की तरफ जाके क्लोज होंगी, इसका मतलब है साउथ में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही होती हैं और अंदर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे ऑलवेज क्लोज्ड फॉर्म में होती हैं। सो जब हम कहते हैं कि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ से एंटर हो रही होती हैं, तो याद रखना है कि इसमें जो अगर आप आउटवर्ड द मैग्नेट पूछे, मैग्नेट मैग्नेट से बाहर तो डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ है, और मैग्नेट के अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ है, तो ये पैरेलल जो है ना और साउथ से नॉर्थ होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अंदर जो है वो लाइन्स क्लोजर होती है, तो सेंटर जो मैग्नेट का है अंदर इन साइड सेंटर जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्नर ऑफ द जो मैग्नेट जो है। इसमें आंसर बेटा बीटा बनेगा 31 का। 32 जो है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, और इसमें जो है जाहिर प्रॉपर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 32 को सॉल्व कर लेते हैं 32 वाला। इसमें जो है वो आपसे कहा है कि आपने बताना है द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वी नॉट ई, यानी कि पोटेंशियल इंटू ई, वी नॉट इसलिए कह रहा हूँ चूंकि मैं वेलोसिटी और इसमें डिफरेंस कर सकूँ। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट ई, ठीक है। अब हमें जो है वो यहाँ से फाइंड क्या करना, बेसिकली वेलोसिटी। सो हम जो है यहाँ पर इसको अगर जो है वो वी जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो वो अंडर रूट बनेगा 2 इनटू पोटेंशियल इनटू ई और डिवाइडेड बाय एम। अब वैल्यूज पुट कर दें तो वी विल गेट द आंसर। अब यहाँ पर जो है आपको गिवन क्या क्या, अगर आप गौर से देखो तो आपको गिवन है चार्ज टू मैस रेशो, यानी ई ओवर एम, ये ई जो एम जो है वो ई के साथ भी तो यहाँ लिख सकते हो, तो आपको चार्ज टू मैस रेशो गिवन है 2 इनटू वोल्टेज कितना गिवन है 200, और आपको जो है वो चार्ज टू मैस रेशो भी यहाँ गिवन है, डेट इज 1.6 इनटू 10 रेस टू पावर -11, ठीक हो गया। अच्छा, जरा गौर करें कि यहाँ पर जो है ये अगर मैं 16 है ना, 1.6 है जो, इसको अगर मैं ये जीरो यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 16। अब 16 टू जार 32, 32 जार 64, और ये जीरो इधर इसको ख़त्म कर देगा, तो इसका मतलब है मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये 64 इंटू 10 रेस टू पावर क्या आ गया -10, ये एक जीरो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इसका स्क्वेयर रूट लोगे तो 64 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 8, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे 10 रेस टू पावर क्या आ जाएगा -5, ठीक है जी, ये -5, तो आंसर जो आपका वो क्या बनेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है, अच्छा ये सॉरी प्लस है, ये +11 है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो अगर +11 है तो ये वाला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 12 बनेगा ना, ये फिर अगर +11 है तो ये 10 रेस टू पावर 12 है, तो ये यहाँ पर इसका जो अगर आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये +6 आंसर बनता है, ठीक है जी। तो आंसर जो आपका है वो 8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड बनेगा। जब देखो इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो हम वाइजली सॉल्व करते हैं, मतलब ये है कि अगर आप और करें तो मैंने चूंकि स्क्वेयर रूट लेना था तो यहाँ पर जो है वो आप देखें 62 × 2 जो है वो 32 × 2 = 64 हो रहा है, इसका मतलब है 64 का स्क्वेयर रूट मैं इजीली ले सकता हूँ। ये जो जीरो था इसको मैंने पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 है तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होकर जा रहा है कि प्लस की पावर है, तो 10^12 हो जाएगा। अब आपका आंसर जो है 8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड आएगा। तो 32 को देख लें सोल्यूशन जो है, देखें कैलकुलेशन इसी तरह की आएंगी, आसान होंगी, आपने सिर्फ करना ये है कि उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम घबराएंगे इन कैलकुलेशन से
तो फिर नहीं ये सॉल्व होनी। सो ये बेसिक सिंपल है, अगर आप गौर से स्टेप्स पे गौर करें तो मैंने जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं, इसका पॉइंट ख़त्म किया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जस्ट मल्टीप्लाई किया, 64 लैदा हो गया, वो जीरो उधर चला गया। तो पावर को मैं सेपरेट डील करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट को लैदा डील करता हूँ ताकि जल्दी आंसर आ जाए और शॉर्टकट में आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जी आपका 33 ऑर्डर, इसमें ऑर्डर आप कह रहे हैं चार्ज टू मैस रेशियो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो ये सिंपल है जी, अल्फा आंसर बनेगा, चूंकि मैं अगर आप गौर करें तो चार्ज टू मैस रेशियो जो है वो चार्ज और मैस पे डिपेंड कर रही है। तो प्रोटॉन जो है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस दोनों का जो है वो डिफरेंट है, चार्ज सेम है, तो इसमें बनेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मैस रेशियो सबसे ग्रेटर होगी, देन प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल, जो कि अल्फा पार्टिकल का मैस भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, 4 times होता है ना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इसका एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, इसका मतलब है आंसर इसका जो है वो अल्फा बनेगा। 34 जो है इट्स आल्सो सिंपल जी, 34 जो है ये इसमें आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, जो वेलोसिटी होती है वो चार इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो से आती है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1500 वोल्ट पर मीटर गिवन है और ये जो है वो हमें 300 है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, तो बी इस तरफ चला जाएगा, वी इधर आ जाएगा, ऐसे कर लें इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू गिवन है 1500 वोल्ट पर मीटर और स्पीड आपको गिवी हुई है 300 मीटर पर सेकंड, तो आंसर आपका जो है वो 5 टेस्ला आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है कभी कभी एग्जामिनर ट्रैप करने के लिए आपको जो है वो यूनिट्स वेरी कर सकता है। यूनिट्स वेरिएशन का मतलब ये है कि वो आपको यूनिट जो है वो गॉज में दे दे, टेस्ला की बजाय जो है वो मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दे, तो फॉर्मूला जो है ये यूज़ होगा, आपने बस यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होना है, लेकिन इसको भी हमें वाइजली सॉल्व करना पड़ेगा। 35 जो है इसमें कैलकुलेशन है 35, तो इसमें देखो जी हम जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड के लिए वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो अब देखें ई जो है वो हमें कितना बताया हुआ, 1.125 इंटू 10^-6 वोल्ट पर मीटर और डिवाइडेड बाय जो है वो हमें बताया हुआ 3 × 10^-10 टेस्ला, ठीक है। अच्छा मुझे इसको सॉल्व करना है, अब जरा गौर करें कि ये जो 10^-10 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये +4 बनेगा, मुझे इस 3 को इधर डिवाइड करना है, तो मैं जो है उसको 3 को डिवाइड करूंगा तो ये 11 है ना, अभी मैं डेसिमल भूल जाऊंगा, तो अगर मैं ये 1125 है तो इसको मैंने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 × 3 = 9, 2 इधर चले गए, ऐसे ही 7 × 3 = 21, तो इससे एक बचा 15 हो गया, तो आगे आ गया जी 5, ठीक है। ये 3 आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, ये 3, 7, 5 जो है वो आपके पास 7 आ गया, और यहाँ चूंकि ये पॉइंट भी था तो ये 0.375 × 10^-10 ये -10 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो 6 से -, और +4 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं अगर ये 10^+4 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3, 7, 5 और 7 = 0 और 7 आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड, ये 3 decimal प्लेसेस तक था ना, तो ये 4 है, तो इसका मतलब है 10 आप ऐड कर दोगे, 3750 मीटर पर सेकंड इसमें आंसर एग्जैक्ट, यानी चार्ली आंसर बन रहा है। 36 में जी डेट इज सो सिंपल, 36 जो है करना क्या है, 36 में आपने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जो है वो आपको लिखवाया था क्यू ई ओवर एम, तो चार्ज जो है उसका 2 times ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हुआ है इन टू ई और डिवाइडेड बाय जो मैस है उसका वो 2 times है, तो 2m जो है वो सॉरी 3 times है चार्ज, हाँ जी 3 times ऑफ द चार्ज है 3e जो है, तो 3e/2m, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो 3e × ELECTRIC FIELD/2m, तो इसमें देखें कौन सा आंसर बन रहा है, चार्ली आंसर बन रहा है। 37 जी ऐसे यूनिट ऑफ म्यू नोड जो है ये वेबर पर एम्पियर पर मीटर होता है, तो डेल्टा आंसर बनेगा यहाँ पर। 38 में जी इन थॉमसन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ई ओवर एम चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो आंसर है बीटा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैंने 2 बातें बोली हैं, जो थॉमसन ऑपरेटर्स है यानी जो उसको वेलोसिटी सिलेक्टर आर्म्स वन में भी कहते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। डेट इज द रीजन कि आंसर बीटा बनेगा। 39 में वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो हमें कैलकुलेट करके बतानी है और इसमें जो है वो हमें वैल्यू सारी की सारी गिवन है। तो मेरे पास चार्ज टू मैस रेशो जो है उसका फॉर्मूला पोटेंशियल की टर्म में क्या होता था, वी स्क्वायर ओवर जो है हमारे पास 2V। तो यहाँ पर जो है आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर आपको जो गिवन है वो है 8.4, इसको स्मॉल वी लिख लें, इसको मैं ना वी नॉट लिख लेता हूँ ताकि पोटेंशियल आपका आ जाए। तो चार्ज टू मैस रेशो जो है वो यहाँ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वी स्क्वेयर ओवर 2V जो है आप वैल्यूज पुट कर लें। वी स्क्वेयर जो है वो आपका कितना है, 8.4 इंटू 10^6 ऊपर है स्क्वेयर ओवर 2V0। वी नॉट जो है यहाँ कितना है, 200 वोल्ट आपको बताया हुआ है। तो ये 8.4 इंटू अब देखें ये 8.4 है तो मैं इसको दो दफ़ा लिख लेता हूँ, 8.4 इंटू 10^12 ओवर जो है ये कितना आ गया, 400। ठीक हो गया। अच्छा मैं जो है इससे ये देखें ये दो जीरो ख़त्म किए तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या रह गया, 10। अब मैं देखिए सॉल्व कर रहा हूँ उसको। अच्छा अब देखो नेक्स्ट जो है अगर मैं इस 4 को अब इजीली जो है वो कट करना चाहूँ तो ये 2 क्या बन जाएगा, 1। अब मुझे 21 को 84 से मल्टीप्लाई करना है और साथ जो है वो 10^10 भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपका आंसर जो अब देख लेते हैं कि इस टर्म में गिवन है, आंसर जो है वो आपका ये 17 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आपका आंसर क्या बन जाएगा, 64 × 10^10 है। जिसको फर्दर अगर जो करें तो ये आपके पास जो है 1.764 × 10^11 बन जाता है और ये जो है वो कूलम पर किलोग्राम इसका आंसर होगा। तो ये आपके पास चार्ज टू मैस रेशो आ जाए। 40 जी, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट द वेलोसिटी वी एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वी, द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। जब वी और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, आंसर जो है इसमें चार्ली बन जाएगा आपका। अब 41 जो है जी इसमें कहता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल जो है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर पाथ रेडियस जो है व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डबल न्यू रेडियाई, चूंकि ये नंबर ऑफ टाइम हम कर चुके हैं मैं डायरेक्ट फॉर लिख रहा हूँ, चूंकि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इस वाले फॉर्मूले से आर इज इक्वल टू एम टू एम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू वी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था। तो अगर आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी डबल कर रहे हो तो जो न्यू रेडियस है वो अंडर रूट 2 ऑफ द ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर आपका बनेगा अल्फा आंसर बनेगा। 42 जी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली हैविंग द सेम चार्ज आर मूविंग इन अ प्लेन और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स आर वी ए वी बी रेस्पेक्टिवली एंड ट्रैजेक्टरीज जो है वो बतानी। अच्छा इसमें देखो फॉर्मूला जो है 41 में हमें पता है आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू वी होता है। ठीक है। अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है ना, तो इसका मतलब है जिसका रेडियस ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ आपको आर बी जो है उसका सर्कल छोटा है, आर ए का बड़ा है डायग्राम में अगर गौर करें, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो आंसर है वो जो है वो ज़ाहरा जिसका रेडियस बड़ा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल शुड बी ग्रेटर दैन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। तो इसमें जो आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन बीटा बनेगा, एम ए वी ए इज इक्वल टू इज ग्रेटर दैन एम बी वी बी। तो एम ए वी ए जो है ये क्या है, मोमेंटम है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बीटा आंसर है जी। 43 जी, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, अच्छा यहाँ वर्क डन का ही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है जी। सो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल है जी, 2 ऑफ द प्रोटॉन। तो इसमें जी आंसर आपका जो बन जाएगा 43 का और पोटेंशियल है 10^6 वोल्ट। तो इसको हम 2 × 10^6 को मेगा भी बोल सकते हैं, 2 MeV जो है इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि मेगा की फॉर्म में उसने आंसर दिया हुआ है। 44 जो है
इसमें द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ जो है वो कहता है इस गिव्स द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली जो है वो चार्ली आंसर बनेगा इसमें, और उसकी रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर आई और आर के बारे में कह रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर, तो ये जो स्लोप है बेसिकली आई ओवर आर, ये हमें जो है वो बी ओवर म्यू नॉट की वैल्यू देगा। बी ओवर म्यू नॉट, म्यू नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो टू पाई अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको बी ओवर म्यू नॉट की वैल्यू देगा इसका जो स्लोप है। 45 जी, अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर डी जो है वो आपको बताया हुआ है 0.5, और इसमें जो है वो अच्छा इसमें ना ये जो 45 है अगर आप गौर करें तो इसमें जरा सुनिएगा गौर से, अब फॉर्मूला है आपके पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर, ये जो आर है इट इज नॉट द रेडियस ऑफ वायर, ये जो आर यहां पर आप लेते हो तो ये आर वायर का रेडियस नहीं है, ये बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू गिवन है, ये एम्पीरियल लूप का रेडियस है, ये इस वायर का रेडियस नहीं है। तो अगर वायर का डायमीटर चेंज होता है या रेडियस चेंज होता है सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा बनना है जी, इसमें आंसर सेम एज द अर्लियर वैल्यू, क्योंकि ये जो आर है इट इज नॉट द रेडियस ऑफ वायर, ये वायर का रेडियस नहीं है। नेक्स्ट है जी 46, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर एल कैरिंग करंट परपेंडिकुलर, तो साइन 19 क्या हो जाएगा 1, इसलिए आंसर आप अल्फा करेंगे आई एल बी, और एन यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है। 47 जी, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज स्टॉप मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, आंसर इज डेल्टा, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है जब तक तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है। 48 दी, चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो होती है डेट इज ऑनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल के पाथ को सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है, इसमें आंसर जो है आपका वो बनेगा जी चार्ली। और 49 में टेस्ला क्या होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, अल्फा आंसर है। 50 जी, अ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड, इफ प्रोटॉन टेक्स 25 माइक्रो सेकंड टू मेक 5 रेवोल्यूशंस द पीरियड ऑफ टाइम अल्फा जी, अच्छा इसमें ना टाइम पीरियड जो है उसकी बात की हुई है, इसमें जो हमारे पास आपको मैंने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में जो है वो बताया था, उसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, तो यहाँ जो है वो हमें यूज करना है 50 में, अच्छा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो क्या है जी 5, और टाइम टेकन जो है वो आपका 25 माइक्रो सेकंड टू कंप्लीट 5 रेवोल्यूशन जो है, इसका मतलब है टाइम पीरियड जो उसका 25 जो है वो माइक्रो सेकंड टाइम होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है 5, इसका मतलब है ये माइक्रो सेकंड में क्या है तो आपका आंसर 5 माइक्रो सेकंड आ गया। तो टाइम पीरियड जो आपको गिवन है प्रोटॉन के लिए वो है 5 माइक्रो सेकंड, क्योंकि 25 माइक्रो सेकंड टू मेक 5 रेवोल्यूशन द टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल्स, अब अल्फा के फॉर जो है ये है फॉर प्रोटॉन, ये हमें टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन पता चल गया, अब हमें जो है वो बताना है अल्फा पार्टिकल का, फॉर अल्फा पार्टिकल जो है हम बताना, जो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है 2 पाई एम ओवर क्यू बी, ठीक है जी। और अब देखें कि इसमें जो है हमारे पास टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन 2 पाई, क्योंकि उसका मैस जो है अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से 4 टाइम ज्यादा होता है और जो चार्ज है उसका 2 टाइम ज्यादा होता है इनटू बी, तो ये 2 इससे 4 से कैंसिल हो गया, इस 2 को मैंने कुछ नहीं कहना बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड ऑन अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स इनटू 2 पाई एम ओवर क्यू बी, तो ये एज कंपेयर टू ये हम टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन कह रहे हैं, सो ओरिजिनल का जो है ये कितना हो जाएगा इसका कितना आया 5 माइक्रो सेकंड, तो टोटल ये फिर जो है वो 10 माइक्रो सेकंड, तो अल्फा पार्टिकल का एज कंपेयर टू जो है वो प्रोटॉन जो है वो 10 माइक्रो सेकंड जो है वो टाइम पीरियड आएगा।
51 जी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होता है? जीरो, तो आंसर इज डेल्टा। सिंपल एज क्वेश्चन, 51 का आंसर डेल्टा बनेगा। 52, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है आर प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम मोमेंटम के साथ। तो अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है दोनों का सेम रेडियस बनेगा 51 में। क्यों? क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू वी। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, चूंकि दोनों का चार्ज भी सेम होता है, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मोमेंटम भी सेम हो गया, तो दोनों जो है उनका रेडियस सेम होगा। हम कहेंगे बोथ ट्रेजेक्ट्रीज विल बी इक्वली कर्व्ड। आंसर इज चार्ली। 60 जी, इफ वी डबल द डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर कंडक्टर तो बिकम हाफ बीटा। आंसर होगा, चूंकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर। ये सिंपल है जी, आंसर बीटा आ जाएगा। 54 जी, बीटा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल्स एंटर एट राइट एंगल विद द सेम वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर रेडियस एंड डायरेक्शन विल बी अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। चूंकि अल्फा के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है, और अनइक्वल इसलिए होगा चूंकि इनका मास भी डिफरेंट है, चार्ज भी उनके ऊपर डिफरेंट है। तो मास दोनों का डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट है, अनइक्वल होगा और जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आंसर डेल्टा आंसर आ जाएगा। 55 जी, चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू अ रीजन एंड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी हो सकती, अल्फा भी ट्रू है। जो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अगर जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एक दूसरे के जो है, और नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट है, तब भी जो है वो एक दूसरे के जो सम है वो क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब है कि हम वहां पर भी जो है वो जो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कहता है पार्टिकल में भी प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। वी डू नो कि अगर पैरेलल एंटर होते हैं साइन जीरो जीरो और साइन 180 भी जीरो, फोर्स होती है फिजिकल क्यू वी भी साइन थीटा, तो किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब है आंसर जो है आपका आंसर कौन सा आ जाएगा जी? डेल्टा। सो बी वाली ऑप्शन वेलोसिटी सिलेक्टर से रिलेट भी करती है। वेलोसिटी सिलेक्टर में जो ही चार्ज पार्टिकल एंटर होता है ना, तो वो स्ट्रेट पाथ पे को भी फॉलो करता है जी। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। 56 में करंट आई इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए और देन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज बी। इफ द करंट इज डबल, करंट डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। सिंपल है, चूंकि फॉर्मूला हमने बार बार यूज कर लिया है ये वाला जी। तो इसमें देखें करंट बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो अगर आप करंट डबल करते हो सिर्फ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। 57 जी, अ पॉजिट्रॉन ऑफ मास एम मूव्स विद वेलोसिटी वी, एंगल आपको 30 गिवन है, फोर्स एक्सपीरियंस जी। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, जरा गौर करें 57 में। सो देखिए कितना आसान है, आपके पास फॉर्मूला होता है फिजिकल टू क्यू वी बी साइन। अब साइन आपको बताया 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू वी बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिंपल आंसर है जी, आंसर आपका बनेगा बीटा। अब क्यू की जगह ई लिख लें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, ये चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन, वो पॉजिटिव हो जाएगा। 58 जी, अब फ्री चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, द पार्टिकल में अंडरगो अ चेंज ऑफ सिर्फ डायरेक्शन जो है। तो याद रखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओनली आर डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करती है। 59 जो है इसमें कहता है कि अगर जो है वो आपकी आर डिस्टेंस के ऊपर करंट आई के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0.4 टेस्ला है, अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। सो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई ओवर 2πr। तो अब देखें अगर डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, चूंकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, डिस्टेंस डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, बी बाई 2 हो जाएगी। तो पहले अगर 0.4 टेस्ला थी तो अब ये 0.2 टेस्ला हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैव सेम मोमेंटम एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। तो आर बी और आर बी, ये जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जी, इसमें आंसर जो है वो अगर मोमेंटम सेम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी सेम है तो आंसर आपका चार्ली बनेगा, दोनों एक ही जो है वो ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगी। तो 60 का आंसर भी कौन सा है? चार्ली। सो देखें ये 60 वाला वैसे रिपीट भी हो रहा है डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ। सो अब आपने क्या करना है बेटा, इसको सारे आपको रिवाइज करें सारे टेस्ट को जो है एक दफा। हाँ, एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, डिस्कशन के एक टेस्ट आपने खुद अटेम्प्ट किया था तो उसके बाद अब हो गई डिस्कशन,
डिस्कशन के बाद एक दफ़ा इसी टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट करें जिनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है वो इसी सेम टेस्ट को डिस्कशन के बाद ठीक करने के बाद दोबारा सॉल्व करें। सो उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसको ठीक करने की कोशिश करें और देखें कि अगर आपको टेस्ट आता है, कैलकुलेशंस आती हैं, तो देखें कितनी जल्दी और कितने जो है वो आप स्मूथली जो है उसको सॉल्व कर रहे होते हो। सो डैट इज़ आप समझ लें कि पॉइंट के जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि फर्स्ट टाइम कुछ आपके वो टेस्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उतना ही अगर स्मूथली आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, तो ये कैसे होगा, नंबर ऑफ टाइम जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इंशाल्लाह जो है आगे जब फुल लेंथ आपके आएंगे कॉम्युलेटिव टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये स्मूथनेस आ जाएगी। तो कोशिश किया करें कि एक दफ़ा डिस्कशन हो जाती है, अगर मिस्टेक्स ज़्यादा हैं उसी सेम टेस्ट को दोबारा अटैम्प्ट करके जो है वो देखें विद इन आधा जो स्पेसिफिक टाइम है, और देखें कि कितने टाइम में आप जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह एक तो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, मिस्टेक्स भी जो है वो आप लोगों को जो है वो दोबारा कभी नहीं करेंगे, जो कि याद हो जाएगा कि यहाँ मिस्टेक हुई थी। ठीक है, ओके बेटा, आप इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट कल आपसे मुलाकात होगी। कल हमने शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इससे पहले जो है उसके कुछ लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, और आफ्टर ईद जो है उसका टेस्ट और डिस्कशन भी होगी। मुझे इजाज़त दें बेटा कल तक के लिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।